हेलो एवरीवन, मैं राधिका किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने 4 किलो गाजर लिए है। अब इसको मैं कसूंगी नहीं, मैं काट के बनाऊंगी। काट के कुकर में डाल के इसकी 4-5 सीटी लगवाती हूँ। आप देखना मैं कैसे बनाती हूँ। आगे जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। ध्यान से देखें, देख सकते हैं मैंने जैसे हम सब्जी के टुकड़े काटते हैं ऐसे काट रखे हैं। आप इसको कस के भी बना सकते हैं। अब देखना आप मैं इनको आगे कैसे बनाती हूँ। मैंने गाजर में 5 सीटी लगवा दी थी, आप देख सकते हो बिल्कुल पक चुकी है गाजर हमारी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे इसको पीसते रहेंगे। इसी मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ, ना कसने का झंझट ना बनाने का झंझट, बहुत ही आसान तरीके से आपका हलवा तैयार हो जाएगा। हम अच्छे से इसको पीस लेंगे, जो इसमें थोड़ा पानी है वो भी सूख जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पिस चुका है हमारा ये गाजर। आप इसे अगर ऐसे नहीं पीसना चाहते तो आप इसको मिक्सी में या ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं। मेरा मोस्टली पिस चुका है, बीच में थोड़े बहुत रह रहे हैं, वो भी ऐसे करती रहूँगी ना, हिलाती रहूँगी इसको, धीरे धीरे वो भी पिस जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा ये हलवा, आप देखें। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। मुझे कमेंट आया था कि मैम हमें चटपटाई खिलाते रहोगे या मीठा भी बनाओगे कुछ, तो इसलिए आज मैं उनकी फरमाइश पे गाजर का हलवा बना रही हूँ। और सर्दी हो और गाजर का हलवा ना बने, हर घर में ही बनता है मोस्टली। ऐसा कोई नहीं है कि गाजर का हलवा या गाजर पाक सर्दियों में ना बने। आप देख सकते हैं पानी हमारा सूख चुका है। पहले हमारी कढ़ाई भरी हुई थी, अब थोड़ा सा बन गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कटोरी मलाई, आज की ताजी मलाई है। मैंने इसमें 2 कटोरी मलाई ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 1 कटोरी घी डाल लेना इसमें। अगर मलाई है तो आप मलाई डाल लेना। अब इसको अच्छे से घी छोड़ने तक हम पकाएंगे। घी या मलाई डालने के बाद आप इसको चलाते रहें। तेज आंच पर पकाना है इसको।
आप देख सकते हैं मलाई हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट, ये मैंने चॉप किए हुए हैं बादाम, काजू, ये नारियल मैंने कस के पीस रखा है मिक्सी में, किशमिश, इलायची, ये आधा किलो खोवा लिया मैंने, मैंने खोवा पहले ही पका लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं अब इसमें किशमिश डाल रही हूँ मैं, किशमिश मैं थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ, ये बाद में यूज करेंगे इसको गार्निश के लिए। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं इलायची पाउडर अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हम खोआ, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खोआ मिक्स हो चुका है हमारा, इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स हो गए। जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ता हलवा तब तक हम इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर इसमें मीठा डाल के हलवा वही होता है जो कढ़ाई पे ना चिपके, चाहे वो सूजी का हो, आटे का हो या गाजर का हो, कोई भी हलवा हो कढ़ाई पे चिपकना नहीं चाहिए। जब तक चिपक रहा तब तक वो हलवा पक के तैयार नहीं है। उसको अच्छे से पकाने के लिए हमें, मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है, मैंने मलाई ऐड की थी तो मुझे घी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अगर मलाई है तो मलाई यूज करें, ना तो आप घी का इस्तेमाल करें इसमें। कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका है और कढ़ाई भी छोड़ने लग गया। अब इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। मीठे में मैं खांड ले रही हूँ, आप देख लेना आप चीनी यूज करें या खांड जो भी यूज करें, एक कटोरी, क्योंकि गाजर मीठी होती है इसलिए मैं एक कटोरी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा यूज करें इसमें, इस्तेमाल करें। अच्छे से मिला लेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा अब इसका। आप देख सकते हैं हलवे ने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, हमारा हलवा बिल्कुल बनके रेडी है। आप भी ऐसे बनाइए। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, अब इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका गाजर पाक भी बना सकते हैं, इसको जमा भी सकते हैं, लेकिन हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे हम जितनी बार भी गर्म करेंगे उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब भी हम खाते तभी गर्म करके खाते हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
जैसे शादियों में खुशबू आती है। अब हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे, अब उससे हम इसे गार्निश कर देते हैं। हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी खाइए, बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बिल्कुल हलवाई जैसा बना हुआ है, जैसा आपको शादियों में या बाजार में मिलता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।